गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्यवाही में अवैध लोहा लदे दो मारुति वैन जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर मध्यम रात्रि को तेनुघाट पुलिस की सक्रियता के कारण तेनु बोकारो नहर मार्ग पर चापी गांव के समीप दो मारुति वैन में अवैध डीआई लोहा पाइप लेकर भागते वाहनों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। हालांकि रात के अंधेरे का लाभ उठाकर दोनों वाहनों के चालक व लोहा चोर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस दोनों जब्त मारुति वैन को थाने ले आई और मामले की छानबीन कर कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। जबकि तेनुघाट ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि मध्य रात्रि लगभग 3 बजे उन्हें सूचना मिली कि दो मारुति वैन में पाइप को टुकड़ों में काट कर फुसरों की ओर जा रहा है। अवैध लोहा छप्परगढ़ा नामक गाँव से होना बताया जा रहा है। मिली सूचना के आधार पर तेनुघाट ओपी प्रभारी श्री सिंह के नेतृत्व में शस्त्र बल को साथ लेकर नहर मार्ग पर छप्परगढ़ा होते हुए जैसे ही चापी के करीब पहुंचा, सामने दो मारुति वैन जाती दिखाई दी। इससे पहले कि पुलिस उस वैन तक पहुंच पाती, वैन चालक व लोहा चोरों को शक हो गई और वह दोनों मारुति वैन को खड़ा कर भाग खड़ा हो गया। रास्ते के बगल में झाड़ियों और अंधेरे का लाभ उठा वे लोग भाग निकले, जबकि पुलिस दोनों मारुति वैन अवैध लोहा सहित थाना ले आई। लगभग 3 बजे मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ पानी टंकी बनाया जा रहा है, ये छप्परगढ़ा बस्ती और घरवा टाण के बीच में, वहाँ का जो पाइप आया है, जो पाइप लाइन बिछाने के लिए, उस पाइप को काट रहे हैं। तो उसी सूचना के सत्यापन हेतु हम थाना से प्रस्थान किए और जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे दो मिनी वैन है, ये ओमनी वैन है, दोनों भाग रही है लोड करके। तो हम जब पीछा किए तो दोनों रोक करके, और दोनों ड्राइवर है सो जंगल में फिरार हो गया। वहाँ से दोनों गाड़ी को जब्त करके लेके आए हैं थाना पे। कितने की माल होगी सर? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। इस पाइप का यूज क्या होता है सर? ये पाइपलाइन पानी टंकी से पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जो घर में जो पानी का जो सप्लाई है उसके लिए होता है। सर, माफिया ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पुराने गाड़ी खरीद करके और इस तरह का धंधा कर रहे हैं, इस पर किस तरह से शिकंजा कसा जा सकता है? लगातार हम लोग के द्वारा वाहन चेकिंग लगाया जा रहा है और उसके थ्रू हम लोग कभी कभी कागजात भी चेक कर रहे हैं, जिससे इसके ऊपर लगाम लगाया जा रहा है धीरे धीरे।